आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्री राम समर्थ राज राजेश्वरी मंदिर का जागृत स्थल है, जिसका इतिहास गौरवमयी है। 5 मई से 8 मई तक होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। सनावत मोटका स्थित राज राजेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार के बाद 4 दिवसीय आयोजन के साथ 5 मई से 8 मई तक आयोजन होगा। आयोजन समिति के कमलेश शर्मा, कैलाश आवले, राजेंद्र साध, उदय सिंह चौहान सहित आयोजन समिति के सदस्य कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या है राज राजेश्वरी मंदिर का इतिहास? ब्रह्मलीन श्री भालचंद्र शास्त्री महाराज ने श्री यंत्र उपासना और श्री विधा विद्यापीठ के उद्देश्य से सन 1930 में राज राजेश्वरी जगदम्बा की स्थापना की। उनके ठीक सामने गोपाल कृष्ण की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ एवं आनंद धाम आश्रम का प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व शास्त्री जी ने नर्मदा जी के किनारे को विशेष प्रयोजन हेतु चुना था। उस समय मंदिर के आसपास बस्ती नहीं थी, वहाँ केवट कोली लोगों के 10-12 घर झोपड़े ही आसपास थे। रात्रि में इस स्थान पर गहरी शांति होती थी। इस स्थान पर केवल योगी, तपस्वी, साधु विशेष कर रुकते थे। मंदिर स्थापना के पूर्व इस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी रुके और साधना की। इसी स्थान पर उन्हें नर्मदा जी का साक्षात्कार हुआ था। नर्मदा जी का पानी उस समय प्रचंड वेग से बह रहा था। अत्यधिक पूर्ण बाढ़ के कारण नर्मदा जी का पानी शंकराचार्य जी के स्थान पर पहुंच गया। शंकराचार्य जी बड़ी शिला के आसन पर ध्यानस्थ थे। नर्मदा जी का पानी शंकराचार्य जी के पैरों तक पहुँच कर रुक गया एवं पूर्व बाढ़ का पानी उसी वेग से वापस हो गया। ऐसे लगा जैसे नर्मदा जी शंकराचार्य जी से भेंट करने आई हों। ये घटना जिस स्थान पर घटी उस स्थान को परम पूज्य भालचंद्र शास्त्री भारती महाराज ने राज राजेश्वरी मंदिर के लिए चयन किया। जिस स्थान पर आद्य शंकराचार्य जी बैठे थे उस स्थान पर शास्त्री जी ने शंकराचार्य जी के अतिशय मनोहारी मूर्ति की स्थापना की। शास्त्री जी के देह छोड़ने के पश्चात सन 1980 के दशक में ये चमत्कार पुनः घटित हुआ। एक बार बरसात में नर्मदा जी में प्रचंड पुर बाढ़ आई, जिसका पानी राज राजेश्वरी मंदिर तक शंकराचार्य जी की मूर्ति के स्थान तक पहुंच गया और बरसात चालू होने के बाद भी उतर गया। इस जगदम्बा के मंदिर में आद्य शंकराचार्य रक्षण के लिए खड़े हैं, ऐसी सबकी मान्यता है। सांसारिक कारणों से दुखी लोग इस स्थान पर आकर देवी जी की उपासना अनुष्ठान कर समाधान पाते हैं। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।